देश के अन्नदाता 26 नवंबर 2020 से आंदोलन पर हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पर चारों तरफ से वे बैठे हुए हैं। उनकी मांग बहुत साफ है कि 3 कृषि कानूनों को मोदी सरकार वापस ले। और आज जब हम बात कर रहे हैं अगस्त में 2021 में, करीब 8.5 महीने उनको हो गए हैं तब से लेकर आज तक, जब जब ये लगा है कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है या इसके बारे में चर्चा कम हो रही है, तब तक किसान आंदोलन ने नया रूप रंग धरा है। हमने देखा, देश की राजधानी ने देखा कि किस तरह से उन्होंने जंतर मंतर पर 13 दिन किसान संसद चलाई, 2 दिन उसमें महिला संसद चली और इस तरह से एक नया तेवर, नया कलेवर दिया उन्होंने। इस मौके पर हमने बात की एक ऐसे जत्थेबंदी के प्रमुख से जो उग्राहा है, BKU उग्राहा, जिसके प्रमुख हैं जोगिंदर उग्राहा। 75 साल से अधिक उम्र है उनकी और सबसे धारदार यूनियन उनकी है, जो पंजाब में न सिर्फ किसानों के बीच बल्कि मजदूरों के बीच और खास तौर से किसान महिलाओं के बीच बहुत सक्रिय है। उग्राहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज क्लिक में। 13 दिन किसान संसद चली और क्या आपको लगता है क्या हासिल हुआ? देखिए, इस आंदोलन के ये 13 दिन संसद का मतलब ये है, पहली बात तो ये कि हमारे बारे में चर्चा थी कि 26 तारीख का जो घटनाक्रम हुआ है वो किसान आंदोलन ने किया है, इस करके किसान आंदोलन को ऐसा बताया गया अभी ये हिंसक हो गया। ऐसा नहीं था, वो हमारा काम नहीं था और हम तो ये बताना चाहते थे कि हमारा शांतिमय आंदोलन है, 8 महीने से चल रहा है, संसद वाल मार्च करेंगे हम, अपना प्रदर्शन करके वापस मुड़ेंगे। इस आंदोलन को ये बताने के लिए, शहर के लोगों को ये बताने के लिए, दिल्ली के लोगों को बताने के लिए, दुनिया के लोगों को बताने के लिए कि हमारा आंदोलन शांतमय है, हम अपनी बात संसद में कहने चले हैं कि संसद वालों भाइयों, आप लोगों के चुने हुए हैं, लोगों का खाद खुराक का मसला है, ये कानून लोगों के लिए ख़तरनाक है, इनको वापस लो। वो स्नेहा देने के लिए हम 3 दिन इधर संसद 13 दिन तक संसद चलाया, बकायदा एक एक इशू के ऊपर, कानूनों के ऊपर, 6 के 6 कानूनों के ऊपर हम संसद चलाए। किसान आंदोलन ने, क्योंकि आप यहाँ पे दिल्ली में 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक क्या आपको लगता है किसान आंदोलन ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एकजुट करने के लिए ऐसे इशू चुनने चाहिए वो जो आम जनता के इशू हों, ऐसे मुद्दे चुनने चाहिए जिनके ऊपर सबकी सांझ होनी चाहिए, सांझ हो इसमें, ऐसा इशू हो जिसमें सारी जाति के लोग, सारे धर्मों के लोग निरपक्ष होकर इशू का कम से कम प्रोग्राम के इकट्ठे होकर लड़ सकते हों। और वो हमने सीख लिया कि हमें इकट्ठा चलना आना सीख गया, हम एक दूसरे के विचार समझकर अपने विचार को पीछे रख के उसके विचार को थोड़ा सा विचार के कम एक दूसरे एडजस्टमेंट करके चलना सीख गए हम, और इकट्ठा चलना सीख गए, सारी भाषाओं के साथ, सारी स्टेटों के साथ, उनके साथ इकट्ठा रहकर आंदोलन करना सीख गए। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ किसानों ने इन 5 राज्यों में अपनी मोर्चा बंदी शुरू की है, मोर्चा खोला है, सीधे सीधे आह्वान किया है कि वहां जाकर वे मोदी सरकार को या वहां पर जो भाजपा की सरकार चल रही है उसके खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ा, इसका असर उत्तर प्रदेश की धरती में दिखाई दिया। वहां पे जब किसान नेता पहुंचना शुरू हुए, टिकैत और बाकी किसान नेता वहां पर पहुंचे, उसके बाद से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाली। अब वे भी किसानों से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले वे शुरुआत करेंगे 16 से 23 अगस्त गन्ना किसानों से बात करके, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यह किसान आंदोलन के लिए बहुत जबरदस्त बेल्ट है, यहाँ पर भीषण आक्रोश है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 से लेकर 25 अगस्त तक किसान पंचायत की जाएगी, वहां पर किसानों को बुलाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ खुद उसकी कमान संभालेंगे। शायद किसान आंदोलन रंग तो दिखा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं उग्राहा से कि किस तरह की तैयारी चल रही है और किस तरह से वह उसे देशव्यापी बनाने में जुटे हुए हैं और क्या क्या उनकी रणनीति आगे के लिए है। आगे हम हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेटों में हमारा काम है, जहाँ पर हमारी बात
नहीं गई। जैसे हम मानते हैं कि पश्चिमी यूपी में हमारी बात चली गई, हरियाणा में हमारी बात बहुत चली गई, पंजाब में हमारी बात बहुत है, कुछ हिस्सा राजस्थान का भी हमने कवर किया है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी हमने कवर किया है, जो दूसरी सदन की स्टेटें हैं उनमें हमारा काम अभी कम है, उधर प्रचार तो है लेकिन कम है, वो बात हम उनमें लेकर जाएंगे, ये हमारा इशू है। अभी 5 राज्यों में चुनावें आ रही हैं, उत्तराखंड में भी जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे और हम बताएंगे भी ये भाई सरकार है जो केंद्र में हम लोगों ने सारे ने चुन के भेजी है, वो कॉरपोरेट की रक्षा करने के लिए ऐसे ऐसे कानून बना रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं 8 महीने से, आपकी राय है इसको क्या सजा देने वो आप सोचें। एक चीज़, जब आप दिल्ली की तरफ आए, क्योंकि पंजाब में आप पहले से आंदोलन कर रहे थे, आपकी यूनियन भी बहुत पावरफुल यूनियन है, सबसे ज़्यादा महिलाएँ आपकी यूनियन में हैं, अलग से मजदूर भी हैं, कभी आपने सोचा था कि इतना लंबा आपको दिल्ली में डेरा डालना पड़ेगा? देखिए मैम, इतना तो नहीं सोचा था कि इतना लंबा हमें डेरा डालना पड़ेगा, ये हमारा जरूर था कि लंबा तो आंदोलन तो चलेगा, लेकिन इसका एक पड़ा हम तय करके पड़ा को बाद दूसरा पड़ा कोई और लिखेंगे। हमें आंदोलन का मालूम था कि आंदोलन लंबा तो चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये आंदोलन इतना लंबा कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा हमें सोचा हुआ था भी ये है कुछ ना कुछ महीने के बाद इसको दिशा बदलेंगे, इसकी दिशा बदलेंगे, लेकिन हमारी इकट्ठा आंदोलन चल रहा है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके साथ सहमति नहीं बनी तो इकट्ठा आगे चलाने की बात आ गई, तो हम उन्हें सहमति दे दिया भी भाई ठीक है आगे चलाओ। यूपी आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे। यूपी में क्या होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी के अलावा कहीं और किसान आंदोलन का असर दिख नहीं रहा? देखो मैम, पश्चिमी यूपी की और पूर्वी यूपी की जो कंडीशन है एक जैसी नहीं है, उनका हालात एक जैसा नहीं है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग किस्म की बात है। उधर जाएंगे हम यूपी में, हमारे 18 तारीख को यूपी के ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग रखा हुआ है लखनऊ में, उस मीटिंग में हमारा संयुक्त मोर्चा के 2-4 आगू हम जाएंगे, उसके बाद में देहरादून में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उत्तराखंड के अंदर भी करेंगे और उधर एक मुहिम चलाएँगे कि ये कानून क्या है, ये कानून सरकार ने किस लिए बनाए हुए हैं, ये सरकार हम इन कानूनों इस बात के लिए हम दिल्ली पर बैठे हुए हैं, सरकार इसको मान नहीं रही, अपनी पूरी बात लेकर जाएंगे कि देश की इकोनॉमी का क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर का क्या बना दिया, रोजगारों का क्या बना दिया, देश बेचने जा रहे हैं हाकम, सारी बात लेकर जाएंगे लोग। एक आखिरी चीज़, मोदी सरकार का पूरा रुख है, पूरा सेशन ख़त्म होने वाला है मानसून सेशन, एक लाइन भी किसान आंदोलन पे चर्चा नहीं हुई और वो लगातार कह रहे हैं कि इतना पैसा दे रहे हैं, योगी सरकार भी कह रही है कि हम 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये देंगे, अभी उन्होंने अनाज बांटना शुरू कर दिया है, तो किसान आंदोलन पर का असर क्यों नहीं पड़ा? देखियो मैम, जितने इतने लंबे समय से हम बोल रहे हैं कि हंकारी सरकार है, ईगो वाली सरकार है, वो हंकार दिख रहा है इनको हंकार दिख रहा है, क्योंकि ताज के अंदर जो शक्ति मिलगी, पावर मिलगी, पावर के ऊपर इनको हुम है, ईगो है, वो ईगो दिख रही है कि किसानों के बारे में एक लाइन लिखने के लिए तैयार नहीं, पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए भाई आपके कानून, ये हमारे ऊपर लाद रहे हैं, देखो देखो खाकर तो देखो बहुत मीठा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये ईगो है, इस ईगो को, ये ईगो इनको ख़त्म कर देगी, इनका नाश कर देगी, हम लड़ते रहेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होते। Thank you.